तो ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू जी। चूंकि आपने बहुत ही विधानसभा के इलेक्शन, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव भी कवर किए हैं, बात अगर की जाए इस बार के विधानसभा चुनावों की तो कितने ज्यादा रोचक नजर आते हैं, और विपक्ष की बात की जाए तो कितना मजबूत यहाँ पर विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह इस बार उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, वीरभद्र सिंह एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, मैं तो कहूंगी वरिष्ठतम नेता थे वो कांग्रेस के देश में और प्रदेश में। उनके जाने से कांग्रेस को बहुत भारी क्षति हुई है, क्योंकि वो न केवल बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बांधे रखा। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, पार्टी चीफ भी रहे, लेकिन उनके लोगों में भी बहुत ज्यादा पैठ थी। तो जैसे ही वो आगे आते थे तो लोग उनका नाम देखकर जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये भी सत्य है कि अब वो नहीं है, तो कांग्रेस में सेकेंड लाइन लीडर भी इमर्ज हो रही है और बहुत से यंग नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं आगे आने की। सुखविंदर सुक्खू हैं जिन्हें अभी कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया और उन्हें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री है इसी तरह से, जो 5 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन है। प्रतिभा सिंह को पार्टी की कमान दी गई है। तो ये कहना भी उचित नहीं कि अगर वीरभद्र सिंह नहीं है तो कांग्रेस जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। लोग अभी इन कांग्रेस के समीकरण भी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इलेक्शन आते आते जो है कांग्रेस भी अपने आप को काफी कंसोलिडेट यहाँ पे कर रही है। जी, गुटबाजी की अगर बात की जाए अर्चना फुल जी, तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी वो कहीं ना कहीं नजर आती है, उसका फायदा भी विपक्षी दल को कहीं ना कहीं मिल सकता है, आपका क्या कहना है? आप सवाल रिपीट करेंगे जरा, आपकी आवाज नहीं आई। जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस दोनों के दोनों दलों में है, ऐसे में कितना फायदा यहाँ पर विपक्षी दल को मिल सकता है, यानी कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी हुई तो बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है, और बीजेपी में चूंकि गुटबाजी है तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों को जो है आज तक जितने भी इलेक्शन मैंने 1993 से कवर किए हैं उसमें हमने देखा है कि गुटबाजी जो है रूलिंग पार्टी को डैमेज करती रही है। लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी होती थी वो वीरभद्र सिंह के मौजूद रहने से ज्यादा होती थी, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो रेबल्स खड़े हो जाते थे, फिर उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट इधर उधर से मिलती थी, क्योंकि उनका अपना एक क्लाउड था। और बीजेपी में तो आप ये देखिए कि हमेशा से, जैसे हम जब से हमने देखा, कोई ना कोई दो शीर्ष के नेता आपस में भिड़े रहते थे, चाहे वो शांता धूमल रिक्त हो, और उसके बाद अब जब से जयराम मुख्यमंत्री बने हैं तो मुझे लगता है कि जो धूमल सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ इतने नहीं है। हालांकि गुटबाजी इतनी मुखर नहीं हो पाई। आपने बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण की अर्चना फुल जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं अर्की से, करण सिंह। करण सिंह जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी महिमा सिंह, मैं चरण सिंह बात कर रहा हूँ। जी, आप बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या परेशानी है, या फिर किन बातों को ध्यान में रखकर आप इस बार वोट देंगे इन चुनावों में? हमें परेशानी है, एम्बुलेंस रोड की परेशानी है। जी हमारे यहाँ एम्बुलेंस रोड नहीं है और हमारे बुजुर्ग है, हम उनको भी हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते। तो आपने अपने विधायक को उसके बारे में बताया? जी मैम, सबको बताया हुआ, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। यानी कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, मेन मुद्दा आपकी तरफ से या फिर आपके परिवार की तरफ से सड़क का रहने वाला है? जी जी मैडम, बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, आपकी अगर कोई समस्या है तो आप भी हमारी फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर। वापस लौटते हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना फुल जी, आप उस वक्त बात कर रही थी धूमल गुट की, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, हालांकि हमें बीजेपी में इन फाइटिंग नहीं दिखी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल, उनके आपस में इतना ज्यादा सामंजस्य भी नहीं दिखा। और जिस तरह से अभी दो जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, जहाँ पे धूमल गुट के दो वरिष्ठ जो फॉर्मर मिनिस्टर्स जो हैं वो पिछली बार चुनाव हारे थे, और इन इंडिपेंडेंट एमएलए को पार्टी में लिया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो है बीजेपी को अफेक्ट कर रही है और आने वाले चुनाव में उसका जरूर थोड़ा बहुत असर दिखेगा। जी,
बात यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तो हो गई, लेकिन अब आपने भी देखा होगा कि तीसरा विकल्प अब कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप अब तक कई इलेक्शंस कवर कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी को आप कितना मजबूत मान रहे हैं, क्या उभर कर सामने आएगी आने वाले चुनाव में? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, गतिविधियां आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में तेज की हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई बेस ऐसा एक तीसरे विकल्प के रूप में मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई चेहरा उनके साथ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश जिस तरह से एक छोटी स्टेट है और यहाँ पे लोग तीसरा विकल्प ढूंढते तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से 1998 में फिर उसके बाद 2012 में तीसरा विकल्प, पहले हिमाचल विकास कांग्रेस आया सुखराम का, उसके बाद महेश्वर सिंह की हिमाचल लोकहित पार्टी आई, तो वो तीसरा विकल्प टिक नहीं पाया ज्यादा। थोड़ा बहुत इलेक्शंस में उन्होंने प्रभाव डाला, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एक अपनी एग्जिस्टेंस के लिए काम नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है कि लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेफर भी नहीं करते। कहीं 2-4-5 सीटों में वो थोड़ा बहुत फर्क डाल सकते हैं। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक फिलहाल जुड़ चुके हैं, आनंद शर्मा। आनंद जी आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हैं कहां से? आनंद जी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आप ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है? धन्यवाद है आपका। जी मैं जुब्बल से बोल रहा हूँ। जी हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरे पास। मैंने धन्यवाद किया आपका कि आपने कनेक्ट किया। हाँ जी विधानसभा क्षेत्र तो जुब्बल कोटखाई है, बहुत बड़ा। मैं तो जुब्बल बाजार में रहता हूँ, नगर पंचायत में। यहाँ पर मुद्दे ये है कि भाई किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हमारा नगर पंचायत है वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ, और जो ना कोई सीवरेज फैसिलिटी है, ना पार्क की फैसिलिटी है, रास्ता है, ना ड्रेनेज वगैरह कुछ नहीं है, ना गार्बेज का कोई प्रबंध है, और कोई भी नहीं करता। हम इतनी बारी बोलते रहते हैं। जी है जी, चलिए शुक्रिया आपका। जुब्बल कोटखाई से हमारे साथ दर्शक आनंद शर्मा जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से अपनी समस्या बताई गई। उनकी तरफ से कहा गया है कि इतनी सरकारें आकर चली गई लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को लेकर और कई समस्याओं को लेकर लोग लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। आपकी भी समस्या है तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0114321 4321 पर। अर्चना फुल वरिष्ठ पत्रकार के पास वापस चलते हैं। अर्चना जी बात अगर इस बार देखिए आम आदमी पार्टी की भी होगी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, लेकिन बयानबाजी की बात की जाए, चूंकि हिमाचल प्रदेश में बड़े ही सरल लोग रहते हैं और यहाँ पर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोग बातचीत भी करते हैं, लेकिन इस बार जो देखा गया तो व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हिमाचल प्रदेश में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां कोई करता है राजनेता, लेकिन इस बार थोड़ा माहौल इसलिए भी मुझे लगता है खराब है कि जो ओवरऑल एक सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन चलते हैं वो भी एक पर्सनल अटैक्स जो है उसमें हो रहे हैं, और ये बहुत ही गलत संकेत एक लोगों में जाता है जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हम करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखिए आप 85% से ज्यादा लोग जो है लिटरेट है, और वो ये पसंद नहीं करते कि इस तरह की राजनीति यहाँ पे हो। और मैं समझूंगी कि भी किसी भी राजनेता को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और इससे जो है माहौल खराब हो रहा है, और सोशल मीडिया पे भी वही सब कुछ व्यक्तिगत अटैक्स आजकल हो रहे हैं जो कि बंद होना चाहिए। जी इस बार के विधानसभा मुद्दों की अगर अर्चना फुल जी बात की जाए तो देखिए ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, और इस बार के मुद्दे काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा करे कि कर्जे में हिमाचल डूबता जा रहा है। जी देखिए जहां तक मुद्दों की बात है यही मुद्दे लगभग हर बार खड़े रहते हैं। ओपीएस का मुद्दा अगर आप देखें, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 2004 से वो खत्म हुई थी, जो पेंशन है जो नए लोग रिक्रूट हुए उनको नहीं मिलेगी, तो वो मुद्दा लगातार खड़ा है, और हर सरकार जो है हर बार दावा करती है कि हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, या अब जैसे कांग्रेस ने कह दिया, लेकिन जब यहाँ डिसकंटिन्यू हुई तो उस समय भी यह कांग्रेस पार्टी थी, तो ये मुद्दे लगातार यहाँ खड़े रहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो है बड़े मुद्दों पे ना जाके, जैसे कि आपने अभी भी बात की किसी दर्शक से,
जो अपने छोटे छोटे मुद्दे हैं और या जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं पॉलिटिशियंस के साथ, व्यवहारिक इश्यूज हैं, उन पे जाके मुझे लगता है ज्यादा वोट करते हैं। और रूलिंग पार्टी के लोगों से उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं, जो कहीं ना कहीं जो है हर इलेक्शन को इफेक्ट करती है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल जुड़ी हुई थी और उनकी तरफ से पिछली सरकारों के बारे में और अब तक क्या हुआ है उसके बारे में भी बातचीत की गई। साथ ही बताया गया कि विधानसभा के मुद्दे इस बार क्या खास रहने वाले हैं। हालांकि लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक